क्रोमाटून्स के लिए ऐसा वेबसाइट का कार्टून कैरेक्टर बनाना हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं IBIS पेंट में। यहाँ पर ऐसा एक मैंने कैरेक्टर का PNG इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें ब्रश पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें इरेजर को सिलेक्ट करना है। तो इसके हमें कुछ पार्ट इरेज कर देने हैं, जैसे आँख की और होठों की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको भी हम हटा देंगे, और हैंड के भी हम कुछ पार्ट हटा देंगे। तो इतना हमें इरेज कर देना है। अब हमें कैरेक्टर के सिर को ऐड करना है। तो इसके लिए हम लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, कैमरे पर क्लिक करेंगे और गैलरी से हमें बैक साइड वाला सिर यहाँ पर लेकर आना है। तो इसकी ड्राइंग मैंने की थी, तो आपको भी इस तरह से बना लेना है। फिर इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है, और सेट होने के बाद हमें ग्रीन टिक पर क्लिक कर देना है और फिर कैंसल पर क्लिक कर देना है, प्लस पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है और मूव वाले आइकन पर क्लिक करना है, और दूसरे सर पर भी हमें इस तरह से बैक साइड का सर सेट कर देना है। पहले जैसे सेट किया था वैसे ही हमें करना होगा। अच्छे से सेट होने के बाद हमें ग्रीन टिक पर क्लिक करना है और हम पहली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर पहले वाले जो सिर थे उसको हम इरेज कर देंगे। फिर हमें लेयर में जाना है और वहाँ पर हमें इसका डुप्लीकेट बना देना है, यानी कि डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है और फिर हमें इसको फ्लिप कर देना है और फिर हमें मूव वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और फिर हमें इस तरह से पैरों को यहाँ पर हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें अच्छे से सेट कर देना है और फिर हमें ग्रीन टिक पर क्लिक कर देना है। फिर हमें इरेजर से इस वाले हाथ को हटा देना है और फिर हमें पहली लेयर को सिलेक्ट करना है और पहले वाले पैर को हमें हटा देना है। तो इस तरह से हमें कर देना है। फिर से पहली लेयर का डुप्लीकेट बना देना है, फ्लिप पर क्लिक करना है, मूव पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें हाथ को इस तरह से सेट कर देना है। तो इस तरह से हमें कर देना है और फिर हमें ग्रीन टिक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम इरेजर से बाकी का हिस्सा हटा देंगे। तो इतना पार्ट हमें इरेज कर देना है और फिर हमें पहले लेयर को सिलेक्ट करना है और इस वाले पार्ट को हम हटा देंगे और फिर से हमें पहले लेयर का डुप्लीकेट बनाना होगा। फ्लिप पर क्लिक करना है, मूव पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें इस तरह से हैंड को सेट कर देना है, ऐसा कर देना है और फिर हमें इरेजर से इस तरह से बाकी का हिस्सा इरेज कर देना है और इतना ही रखना है, और फिर हमें पहली लेयर को सिलेक्ट करना है और इतना पार्ट हटा देना है। ऐसा हो जाने के बाद हमें फिर से पहली लेयर को सिलेक्ट कर रखना है और उसका डुप्लीकेट करना है, फ्लिप करना है और मूव वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर हमें हैंड के इस वाले पार्ट को यहाँ पर सेट कर देना है इस तरह से, और फिर हमें इरेज कर देना है बाकी के हिस्से को। तो इस तरह से हम इरेज कर देंगे और फिर हम पहले लेयर को सिलेक्ट करके इस वाले पार्ट को इरेज कर देंगे। फिर इसी तरह हमें दूसरे जो हैंड का पार्ट है वहाँ पर भी इसी तरह करना है। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो में इंटरेस्ट है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पर आपको यूनिक ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो ऐसा बना लेने के बाद हमें कैरेक्टर को बैक साइड के कपड़े पहना देने हैं, यानी कि ऐसी ड्राइंग कर देनी है। फिर हम एरो पर क्लिक करके सेव एज ट्रांसफॉर्म PNG कर देंगे।